Assalamualaikum, मैं आप लोग देख रहे आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर फोर यानी टू डायमेंशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। और समझ लो अहम एमसीक्यूज हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से इनशाला पेपर में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अटैम्प कर पाओगे स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वन इन द एबसेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन प्रोजेक्टाइल है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है एक कांस्टेंट एंगल है जो कि मैक्सिमम रेंज देता है और वो है 45 फाइव डिग्रीज अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 से कम एंगल पर फेंका जाएगा या 45 से ज्यादा एंगल फेंका जाएगा तो उसकी रेंज कम हो जाएगी बट अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है एट फोर्टी फाइव डिग्रीज तो वो सबसे ज्यादा दूर जाता है अगर थर्टी डिग्री फेंकोगे कुछ कम पे तो जल्दी गिर जाएगा अगर सिक्सटी फेंकोगे तो भी मतलब कम ही गिरेगा 45 से कम गिरेगा लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता तो मैक्सिमम रेंज जो है वो फोर्टी फाइव मैक्सिमम रेंज निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए हम वी नॉट स्क्वायर साइन टू ये जो थीटा है इसकी जगह 45 फाइव फुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है नंबर टू है हॉरिजोंटल रेंज अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है

तो दो कंपोनेंट होते हैं एक होता है वी नॉट एक्स और दूसरा होता है वी नॉट वाई तो यहाँ पे सोलिजोटल कंपोनेंट की बात हो रही है नॉट की बात हो रही है तो याद रखिये जो वी नॉट एक्स है वो कांस्टेंट रहता है चेंज नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करवाने के लिए कोई फोर्स होनी चाहिए ताकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो और वो एक्स एक्सिस में तो होती नहीं है याद रखो जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वाई वो ऊपर जाते जाते कम होता रहता है फिर नीचे आते आते बढ़ता रहता है बट जो एक्स कॉम्पोनेंट है जो वी नॉट एक्स है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है एक्स तो याद रखो वो कॉन्स्टेंट रहता है ना जीरो इंक्रीज विथ टाइम ये सब गलत है नंबर फोर द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है तो मैक्सिमम हाइट यानी कि एच मैक्स का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो होता है वी नॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा ओवर तो इनमें से कौन से फैक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नॉट के स्क्वायर पे कर रहा है और साइन थीटा पे कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी नहीं उसके स्क्वायर पे कर रहा है लॉन्च एंगल नहीं स्क्वायर ऑफ इनिशियलिटी जाहिर सी बात है डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे अगर सिर्फ बोले डिपेंड करता है तो ये इनिशियल वेलोसिटी वाली बात भी सही होती बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एग्जैक्ट बात बतानी पड़ेगी तो एचम मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी

स्क्वायर ओवर आर और पूरी बात हो रही है कि वो क्या है वेरीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नो गलत बात हो गई डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वेरीज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वेरी डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी बोथ बी एंड सी दोनों पर डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करी है डायरेक्टली और इनवर्सली जो है वो रेडियस से भी डिपेंड कर रही है तो चारों ऑप्शन इस वजह से मैं कहता हूँ पढ़ लिया करो क्या कर मैं भी ये गलती कर देता हूँ और आप लोग इस गलती से बचो चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लिया करो हो सकता है दो आंसर्स भी करेक्ट हो क्वेश्चन नंबर सेवन इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ इनकिल विद वेरिएबल लीनियर स्पीड अब जो लीनियर स्पीड है वो वेरिएबल है तो फिर क्या होगा ओनली नो ओनली टेंजेंशियल बोथ सेंटीबेटिटल और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन होगी अगर उसकी लीनियर स्पीड जो है वो वेरिएबल है और आमतौर पर जब कॉन्स्टेंट रहती है जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं तो जस्ट वहां पर सेंटिबेटल एक्सिलरेशन होती है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट बाय किस तरीके से मालूम कर सकते हैं तो राइट आंसर है राइट हैंड रूल ठीक है राइट आंसर भी राइट हैंड रूल है अगर आप मालूम करना चाह रहे हो तो फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर तो आपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से रखो कि आपकी फिंगर्स इस डायरेक्शन में रोटेट करें तो यकीन आपको पता लग जाएगा कि जो डायरेक्शन आ रही होगी वो इन द स्क्रीन आ रही होगी इन साइड द स्क्रीन और अगर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो आप अपनी फिंगर्स को राइट हैंड्स को राइट हैंड की फिंगर्स को अरेंज कर लो इस तरीके से तो पता लग जाएगा कि जो थंब है वो आउटसाइड शो कर रहा होगा तो इसका मतलब फिलहाल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आउटसाइड होगी नंबर नाइन इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इंटर ए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक जैसे एंगल बन रहे हैं एक जैसे टाइम में तो फिर हम क्या कहेंगे वैसे फॉर्मूला होता है ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का एंगल वेलोसिटी चेंज बट लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड लीनियर वेलोसिटी चेंजेस तो बात सारी ये है कि अगर तो ऐसा है कि सेम एंगल बन रहा है सेम है और एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई पक्का हो गया ना क्योंकि डेल्टा थीटा जो है वो सेम हो गया बट डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे जो लीनियर है, वो तो चेंज हो रही है लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रहेगी कांस्टेंट। नंबर टेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर बताया मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी Eleven. The centripetal acceleration produced in a rotating body is commonly due to the change in dash of the velocity. Basically, centripetal acceleration क्यों produce होती है? जब भी कोई body move करती है किसी भी circular path में तो लगातार उसकी direction change होती है. जब लगातार उसकी direction change होती है तो अपने आप समझ लो velocity change हो जाती है. तो basically सारा का सारा ताल्लुक है direction के change होने से. Centripetal acceleration is produced due to the change in direction. जब भी कोई body revolve करती है ना circular path.

क्वेश्चन नंबर द वेलोसिटी कंपोनेंट विद अ प्रोजेक्टाइल सर्टेन वर्टिकल डिस्टेंस इज मिनिमम अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर होता है वो वी नॉट वाई की वजह से होता है अब ये कह रहे हैं वी नॉट वाई मिनिमम कब होता है तो याद रखो जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो जो टॉप पोजिशन होती है वहां पर सिर्फ इसके पास वी नॉट एक्स तो होता है बट टॉप पोजिशन पे वी नॉट वाई जीरो हो जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइएस्ट पोजिशन वर्टिकल का कह रहे हैं ना और बाकी वी नोट एक्स तो आपको पता है कॉन्स्टेंट रहता है नंबर 14 अ बॉडी मूविंग तो रेवल्यूशन हो गई अगर body यहां से start हो कर, दो बार चक्कर लगा के दोबारा यहां वापस आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को पाथ कवर्ड पाथ से डिवाइड करवा भी दोगे तो आंसर आएगा जीरो बिकॉज इस केस के अंदर क्योंकि रोटेशन मुकम्मल हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगी नंबर फिफ्टीन द एंगल बिटवीन एंड टेंजेंशियल सेंटिपिटल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज ऑलवेज नाइनटी डिग्री जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है ना सर्कुलर पाथ तो जो टेंजेंशियल एक्सेलेशन है वो ऐसे एक्ट करती है और जो सेंटिपिटल एक्सेलरेशन है वो ऐसे एक्ट करती है कितना एंगल बना 90 डिग्रीज फॉर एग्जांपल पार्टिकल अगर इधर है तो फिर ऐसे होगी जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन है और सेंटीपेटल अभी भी ऐसे होगी तब भी एंगल कितने डिग्री बनेगा नाइन्टी डिग्री सो so, इनके दरमियान का एंगल हमेशा हमेशा जो है वो नाइन्टी डिग्रीज ही होता है नंबर सिक्सटीन और हैज इट्स मैक्सिमम स्पीड एट द मोमेंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड जो है वो दो टाइम पर होती है एक तो जब उसको आप फेंकते हैं प्रोजेक्ट करते हैं और जब वो बिल्कुल जमीन से टकराने वाला होता है इसका मतलब यहाँ पर आंसर आएगा बोथ ऑफ दीज क्योंकि आप देखो जब भी थ्रो करते हैं तो वी नॉट एक्स तो चलो सेम रहता है लेकिन नॉट वाई सबसे ज्यादा इधर होता है ऊपर जाते आते नॉट वाई कम होता है फिर नीचे आते आते, आते बढ़ता रहता है तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो दो पॉइंट पर होगी एक इस वाले पॉइंट पे एक इस वाले पॉइंट पे दैट्स वाई करेक्ट आंसर मैंने क्या लिखा बोथ ऑफ दीज नंबर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन जो हॉरिजॉन्टल रेंज है किस चीज के ऊपर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, तो है तो वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे भी और एंगल पे भी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बोथ ऑफ तीस नंबर एटीन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट थर्टी डिग्री It 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 hits certain target. It will have the same range if it is projected at an angle of. ek simple sa tarika है दो angles को अगर हम add करते हैं और answer 90 degree आता है तो इसका मतलब दोनों पर रेंज इक्वल होती है दोनों पे रेंज सेम होती है यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है तो अगर आपको एक रेंज पर एक एंगल पता है लेट से आपको थीटा पता है कि 30 डिग्रीज है तो और आप जो है वो दूसरा एंगल मालूम करना चाह रहे हो जिस पर रेंज सेम होगी हमेशा दो ऐसे एंगल होते हैं जिन जिनपे रेंज सेम होती है और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो नाइनटी में से आप माइनस कर दें थर्टी आंसर आएगा सिक्सटी डिग्री और सिक्सटी डिग्री का मतलब हो गया हमारा डी आंसर करेक्ट होगा तो कभी भी दो ऐसे एंगल जिनको आपस में एड करें ना तो उन पे जो है वो रेंज और आंसर 90 डिग्री आ जाए तो उन पे रेंज जो है वो सेम होती है जैसे कि 20 और 70 जैसे कि 30 और 60 जैसे कि 40 और 50 वो एंगल्स हैं जिन पे रेंज इक्वल होती है 19 द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अबाउट द द सेंटर ऑफ ऑफ सर्कल रेडियस r आर रिलेटेड बाय v इज इक्वल टू r ओमेगा v बराबर होता है r ओमेगा के दिस वन बट अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो थोड़ा सा ख्याल रखना अगर v लिखते हैं तो फिर ओमेगा क्रॉस r होता है थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि फिर वो डायरेक्शन की अहमियत होती है ना तो डायरेक्शन शो करना जरूरी होता है बट अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो बस आर जहां पर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ट्वेंटी एक बॉल को थ्रो किया गया है फोर्टी मीटर पर सेकेंड के साथ और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थर्टी डिग्री हॉरिजॉन्टल तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर वन सेकेंड वो कितनी हो जाएगी ठीक है हमने बॉल को थ्रो करा है फोर्टी मीटर पर सेकेंड पे और ये आ गया हमारे पास थर्टी डिग्रीज जो एंगल बन रहा है वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए हमें तो वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्चुअली हम मालूम करना चाह रहे हैं वी नॉट वाई प्राइम इनिशियली वी नॉट वाई होता है प्लस जी टी हो जाएगा बल्कि माइनस का जी टी होगा क्योंकि हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो वी नॉट वाई कितना वी नॉट वाई वी नॉट साइन थी लगे बराबर होता है वी नॉट है फोर्टी इन टू साइन ठीक है और फिर किसको कर दो माइनस टेन जी की वैल्यू टेन रख रहा हूं इन वन इजी हो जाएगा फोर्टी इंटू साइन थर्टी साइन थर्टी होता है into 40 हो जाएगा की, वो बराबर हो 10 मीटर पर के. तो जब भी लिखा हुआ हो कि कुछ टाइम के बाद बताइए कुछ टाइम के बाद बताइए तो जाहिर सी बात है कोई इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक कार है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो हंड्रेड है व्हाट इज द एक्सेलिशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर तो वी का स्क्वायर यानी ट्वेंटी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर आर यानी रेडियस हंड्रेड तो ट्वेंटी का स्क्वायर होता है फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड कैंसिल होने के बाद आंसर आएगा फोर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नंबर ट्वेंटी मिसाइल इज फायर एट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एट सिक्सटी डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेट ऑफ है एट द मैक्सिमम हाइट कितना होगा तो देखो मैक्सिमम हाइट पे एक बात कंफर्म है मैक्सिमम हाइट पर वाई कॉम्पोनेट तो जीरो हो जाता है तो y वाली वैली तो वाली वैल्यू आपको जीरो ढूंढनी है वो यही वाली आ रही है लेकिन क्या एक्स टेन के बराबर आ रहा है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीकेकार ये है कि आप निकाल लें उसका वी नॉट एक्स वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के तो ये हो गया वी नॉट कितना है वी नॉट हेट ट्वेंटी और हमें लेना है सिक्सटी डिग्री तो 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 सर्कुलर ट्रैक स्किट कर जाता है देखो स्किट करने से रोकता कौन है स्किट करने से रोकता है टायर और रोड के दरम्यान में फ्रिक्शन तो अगर फ्रिक्शन कम होगी तो जो साइकिल वाला है जो साइक्लिस्ट है स्किट कर जाएगा तो याद रखो ऑप्शन वो सही है जहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, ठीक है? बात है कि कम रह गई है तभी तो वो स्लिप कर रहा है अदरवाइज क्यों स्लिप करेगा अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो उसको स्लिप करने से रोक लेगी ट्वेंटी फोर वेन द एंगल डिस्क इंक्रीजेस एंगलेशनोसिटी आर इन पैरल अगर स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम में होते हैं अगर वेलोसिटी कम होती है, तो और 200 है मीटर पर सेकंड 50 है सेंट्रिपल फोर्स एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर तो एम कितना हो गया एम है हमारे पास मास हंड्रेड है स्क्वायर यानी कि फिफ्टी का करना पड़ेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है टू हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कैंसिल ऊपर आ गया ये हो जाएगा टू फाइव जीरो जीरो और डिवाइडेड बाय टू टू फाइव जीरो बॉडी कवर्स फाइव रोटेशन इन टू सेकेंड अराउंड पाथ ऑफ रेडियस टू लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है आर ओमेगा के रेडियस बराबर है टू के ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी कितना एंगल बना डिवाइड बाय कितने टाइम टाइम में बना टाइम है टू सेकंड और एंगल बन रहा है फाइव रोटेशन एक रोटेशन में टू पाई रेडियन होते हैं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फाइव इन टू फाइव रोटेशन है एक रोटेशन का मतलब टू पाई होता है तो यहां पर आ जाएगा फाइव इंटू टू पाइव टू से टू कैंसिल फाइव टू जै टेन तो आंसर हो जाएगा टेन पाई मीटर पर सेकेंड टेन पाई मीटर पर सेकेंड द एंगुलर स्पीड ऑफ आर्स हैंड ऑफ द वॉच इन रेडियन पर पर मिनट मिनट रेडियन बताना है और एंगुलर स्पीड तो हमें पता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होती है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होती है उमाय मालूम कर रहे हैं ठीक है घंटे वाली जो सुई होती है घड़ी के अंदर ना आर्स हैंड कहते हैं उसे उसकी एंगुलर स्पीड मालूम करनी है तो याद रखो वो अपना एक रोटेशन यानी कि जो उसका टू पाई डिग्रीज बनते हैं टू पाई रेडियन बनते हैं वो कितने पर बनते हैं कितने टाइम पे बनते हैं तो वो बनते हैं सिक्सटी मिनट पे क्योंकि पर मिनट पूछा गया है तो टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय सी मिनट कैंसिल कराएंगे पाई बाय थर्टी आ जाएगा सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि उन्होंने मिनट में पूछा है तो पाई बाय थर्टी आंसर हो जाएगा हमारे पास द एंगल सबेड एट इट सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल टू दैट ऑफ इट्स रेडियस ये डबल के अलावा इक्वल भी पूछ सकते हैं तो सिंपल सी लॉजिक है एस बराबर होता है आर थीटा के ये कह रहे हैं कि जो एंगल हो रहा है वो बताइए जबकि जो लेंथ है, आर्क लेंथ है वो डबल है रेडियस के आर्क लेंथ एस की जगह पे टू आर आएगा इधर आर आएगा इधर थीटा आएगा तो आर से आर कैंसिल थीटा आ गया टू रेडियन के बराबर ऐसा यूनिट तो टू का एंगल का रेडियन होता है और एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के तो दो रेडियन कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री विच इज इक्वल टू वन अगर इक्वल का कहते तो एक रेडियन बनता है एक रेडियन का मतलब 57.3 आंसर आता 29 नाइन द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वैसे लीनियर वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी में थीटा डिवाइड बाय टाइम होता है तो रेडियन पर सेकेंड होगा करेक्ट आंसर है रेडियन पर सेकेंड एंड uh, बाकी तो पास पेपर के हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं आप जो है वो जा सकते हो चैनल पे जाके देखो कोई भी कंफ्यूजन है तो लिखो कमेंट सेक्शन में दैट्स ऑल फॉर टुडे अल्लाह हाफिज